ओम शांति। मेरा भी बहुत ही बड़ा सौभाग्य था जो दादी जी द्वारा हमारा यह अलौकिक जन्म हुआ। दादी जी जब 74 में लंदन में सेवा पर आए तो उसी समय जो है, क्योंकि जयंती बहन तो वहाँ थी थे और सब आद उसी समय सुदेश दीदी भी वहाँ आए सेवा पर, तो ऐसे तो हम लंदन से 5 घंटे दूरी पर रहते थे नॉर्थ में, परंतु वहाँ दादी जी जयंती बहन सुदेश दीदी आए हमारे लौकिक घर में, तब हमारा ये अलौकिक जन्म हुआ। और बस उस समय शॉर्ट में ही बताएंगे कि उस समय ज्ञान भी सुना और एकदम निश्चय भी हो गया, और दादी जी ने इतनी पावरफुल दृष्टि दी कि मैं तो एकदम जैसे मुझे लाइट ही लाइट, कुछ होश ही नहीं एकदम। फिर दादी ने दृष्टि देना पूरा किया तो मैं जयंती बहन की तरफ देखने लगी, क्योंकि मैं तो नीचे उतरना ही नहीं चाहती थी, तो एकदम ऐसे अनुभव में मैं खो गई। लेकिन वही घड़ी थी जो बस एकदम निश्चय नशा चढ़ गया और बस वो सैंपल देख लिया। दादी और जयंती बहन सुदेश जी सामने थे तो यही सत्य ज्ञान है और यही सच्ची जीवन है। तो वैसे तो 6 मास के अंदर ही मुझे तो था कि मुझे आना है, मधुबन आना है, पर दादी ने कहा कि ज्योति तुम थोड़ा धीरज धरो, क्योंकि पहले ही मुझे तो एकदम हुआ कि बाबा 37 से आए थे, तो मैं तो बाबा को लुहाना दिया कि आपने मुझे इतना लेट संदेश मुझे मिला है ना 74। तो जब सुनते थे यज्ञ की हिस्ट्री तो थोड़ा एक तरफ तो बाबा मिला, श्री बाबा ही भगवान है, खुशी भी थी, लेकिन दूसरी तरफ यही था कि कल्प कल्प में बाबा मम्मा को नहीं देखेंगी, यज्ञ में लेट आएंगी, यज्ञ में देरी से आएंगे क्या। मतलब उस निश्चय ने मुझे हुआ कि मुझे तो बाबा का बनना है और बाबा की ही सेवा करनी है। तो फिर ऐसे तो बीच में दादी जयंती बहन सुदेश जी हमारे वहाँ नॉर्थ में चक्कर लगा 2-3 महीने में चक्कर लगाते थे, और हम भी फिर एक बार दादी के पास गए। पंडूर भी था और उस समय तो सभी इतना कोई ज्ञान में चलते नहीं थे, लेकिन बस इतना निश्चय लगन था 74 में मैं यहाँ आई बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा से मिलने के लिए आई तो ऐसे तो बस निश्चय निर्णय करके ही आई थी कि मुझे तो बाबा का ही बन के रहना है और बाबा की ही सेवा करनी है, क्योंकि लंदन में सेंटर था लेकिन और तो कहीं यूके में कोई सेंटर्स नहीं थे, इतना दूर भी रहते थे, तो बस यही था कि बाबा की ही सेवा करनी है और मुझे भारत में ही रहना है। तो 2 साल तो भारत में रही, परंतु बाबा ने भी बहुत अभी बाप दादा ने भी बहुत वरदान दिए, तो उसमें विशेष एक बात तो एक ही, क्योंकि दादी सेवा पर आई लंदन तो उस दादी उसका बाबा का सेवा का लंदन की सेवा का सबूत दिया है, मना दादी वहाँ सेवा पर आई है, सेवा हुई उसकी सबूत, क्योंकि हम निकले इतना निश्चय से और बाबा के बने, तो बाबा ने लंदन की सेवा का सबूत दिया है। फिर कहा कि लंदन की चतुर गोपी का है, चतुराई से अपने को अच्छा न बंधन मुक्त किया छुड़ाया, मतलब बाबा दादी की दृष्टि में इतनी शक्ति होती थी जो ये बंधन है वो बंधन है कि वो कुछ नहीं, एकदम इतनी हिम्मत और शक्ति आ गई कि बाबा की हूँ, बाबा का बाबा की ही बनना है। बस फिर तो भारत में भी मेरी अच्छी से सेवा की ट्रेनिंग पालना हुई, वापस मैं लंदन गई। तो उस समय भी हम जो पहले मकान था टेनिसन रोड पर, तो जहाँ दादी जयंती बहन सुदेश दीदी और हम और एक सिस्टर इंग्लिश सिस्टर से थी, सिस्टर वरोनिका, वो ऑफिस संभालती थी, लेकिन हम लोग रहते थे तो वहाँ भी मैं बाबा का भंडारा भी संभालती थी और साथ साथ इंडियन गुजराती सर्विस भी, क्योंकि उस समय तो कोई इतना कोई ब्रह्मा कुमारी को नहीं जानते थे, और जब कोई अपनी भाषा में सुनाते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो उस समय जो है कई शहरों में
पब्लिक प्रोग्राम होता था तो जयंती बेन वासुदेव दीदी भी आती थी, उनका भी भाषण होता था, मेरा भी गुजराती में भाषण होता था और वो तो चले आते थे। फिर मैं कई स्थानों पर रुक करके 50-60 लोगों को कोर्स कराती थी ऐसे कई स्थानों पर। और कोर्स कराने के बाद तो नेचुरली कोई ना कोई बाबा के बच्चे निकल ही आते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि दादी को ये नहीं अच्छा लगता था कि कोई जो है सिर्फ कर्मणा सेवा ही करते रहे, पर कर्मणा सेवा भी करती थी पूरा दिन, क्योंकि बाबा का भंडारा संभालना माना नाश्ता पूरा होगा तो फिर भोजन, फिर शाम का फिर मेहमान आना जाना, दादी है तो वहां तो रहता ही है ना। पर वो सब कुछ भाई बहनों की मदद लेकर के वो करके भी मैं यूके में भी और लंदन में भी कई स्थानों पर वहां, मैं तो लंदन में रही हुई नहीं थी लेकिन लंदन में भी मेट्रो में अंडरग्राउंड ट्रेन में कहाँ कहाँ कई बार तो रॉन्ग भी बैठ जाते थे, पर अलग अलग नए नए एरिया में ऐसे एड्रेस लेकर पूछते पूछते कई स्थानों पर ऐसे सत्संगों में मंदिरों में जाके सेवा करती थी। मतलब दादी को खुशी होती थी कि सिर्फ कर्मणा सेवा ही नहीं, और खास करके 4 बजे अमृत वेले योग में भी मुझे बिठाती थी सामने। और आप सोचो क्योंकि सारा दिन कर्मणा सेवा, फिर बाहर कहीं बाहर भी दोपहर को आराम नहीं और बाहर जा करके भी ज्ञान सुनाना, तो नेचुरली 4 बजे तो है ना दादी सामने बिठाती थी ने? तो अपने आप अटेंशन भी रहता था तो अच्छे से, मतलब दादी को रहता था कि हम चारों सब्जेक्ट में हम अच्छे होशियार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब पढ़ाई के टाइम है तो दादी को कोई कर्मणा सेवा करे अच्छा नहीं लगता था, पढ़ाई टेंशन से ही पढ़ना है, योग के समय योग अमृत वेला, फिर पढ़ाई, फिर कर्मणा सेवा, जो भी सारा दिन सेवा का जो पाठ बजाना है। लेकिन और दादी छोटी छोटी बात मुझे कई सिखाई, लेकिन इतना के एक बार सिखाने के बाद मैं बहुत बाबा की याद में रहती थी कि मुझे दोबारा न सिखाना पड़े वा दोबारा नहीं कहना पड़े, इतना मतलब अटेंशन रखती थी है ना। तो कुछ भी बनाना है तो एक बार दिखाती थी और कुछ भी कोई भी बात इशारे से कहती थी, मतलब बहुत दादी को रहता था कि बाबा का ऐसे ऑलराउंड एवर रेडी एक्यूरेट सर्विसेबल बच्चे बनना चाहिए, ऑलराउंडर भी हो, मुझे ये आता है मुझे ये नहीं आता है, मैं कर सकती हूँ ये नहीं कर सकती हूँ ऐसा भी नहीं, और जो भी सेवा सामने हो एवर रेडी भी हो और जो भी करे वो एक्यूरेट, नहीं तो कहती है दादी कहती है बुद्धियोग ठीक नहीं है, मना हमारा बुद्धियोग बाबा के साथ है तो जो भी हम कार्य करेंगे वो भी एक्यूरेट ही होगा, नहीं तो दादी कहती थी ये तो काम चलाओ, मना काम चलाओ काम किया, तो ऐसे दादी को नहीं पसंद होता था काम चलाओ काम करे वो नहीं है ना। तो हमेशा पाठ पक्का रहता था कि मुझे बाबा का ऑलराउंडर एवर रेडी एक्यूरेट सर्विसेबल बच्चा बनना है। तो इसी प्रकार से दादी ने मुझे खुद 4 साल तो मैं दादी के लंदन में एकदम अंग संग रही, क्योंकि दादी शुरू में 78-79 कई सालों तक इतना ट्रैवल नहीं करती थी, ज्यादा टाइम लंदन और आजू बाजू स्थानों पर ही, तो उस समय मेरी अच्छी दादी के द्वारा अच्छी ट्रेनिंग पालना हो गई। फिर तो मैं जो है दादी ने मुझे कनाडा सेवा पर भेजा, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था क्योंकि मैं समझा मेरा तो ब्रिटिश पासपोर्ट है वहां की हूँ, मैं वहां ही रहना है दादी के साथ ही रहना है, पर बाबा तो ऐसा तैयार करते हैं ऐसी पालना ट्रेनिंग देते हैं तो सेवा के लिए आगे मैं भेजते ही है। तो दादी ने मुझे कनाडा सेवा पर भेजी, वो भी वही वहां भी स्थापना का समय था है ना, क्योंकि 81 में मुझे दादी ने वहां भेजा टोरंटो में। तो पहले तो दादी ने यही कहा ना जो है मुझे पूछा कि तुम जाएंगी टोरंटो कनाडा मना सेवा के लिए, तो मैंने कहा हाँ, तो हमें हाँ कहते ही दादी ने कहा अच्छा सोच के बताना, तो मैं इमीजिएटली कहा नहीं दादी सोचना क्या, बाद में मुझे कईयों ने कहा कि ओ ज्योति बहन वहां तो बहुत ठंडी होती है कनाडा में तो यहाँ से भी ज्यादा ठंडी ये वो, लेकिन शुरू से ही
दादी के संग, क्योंकि क्लास तो इतना सुनते थे ने, जब भी मैं सिर्फ मोरली नहीं लेकिन दादी जो है यज्ञ की कुछ न कुछ बात सुनाते थे, भोजन करने समय क्लास के टाइम मम्मा ऐसे कहते थे, बाबा ऐसे कहते थे, दादियां यज्ञ का, मैं सा दादी के उसमें रहता था। तो उसी समय तो हमने कहा कि नहीं दादी मैं जाएंगी सेवा पर। तो इस प्रकार से वहां भी कनाडा में भी पहले तो 3 महीने के लिए बाबा ने दादी ने मुझे वहां सेवा पर भेजा। तो कनाडा में गई तो वहां भी अच्छी इंडियंस की सेवा शुरू हो गई। तो वही उस समय निकले हुए कई बाबा के बच्चे वहां फाउंडेशन मतलब पुराने हैं जो भी वहां की जिम्मेवारी से सेवा संभाल रहे हैं। लेकिन 3 महीने के बाद जब मैं आई लंदन तो दादी ने मुझे मधुबन भेजा। तो और तब तो मैं सोचा भी नहीं कि मुझे वापस, मुझे कहा 3 महीने के लिए जाना है सेवा पर, मना 3 महीने की टिकट थी। फिर मधुबन जब बाबा से मिलने के लिए आई तो बाबा ने फिर कहा अच्छा कनाडा में अच्छी सेवा शुरू हो गई है ने। फिर मुझे कहा कि अच्छा एक ही स्थान पर नहीं बैठ जाना, चारों ओर चक्कर लगाना, ऐसे ऐसे बात की, क्योंकि कहा कि एक चारों तरफ से जगते हुए देख करके जहाँ रहते हैं उस नजदीक वाले भी और भी जग जाएंगे, ऐसे ऐसे डायरेक्शन दिए। तो मैं समझ गई कि मुझे वापस कनाडा सेवा जाना है। और दादी ने भी सोचा कि जब मधुबन से आ जाएंगी तब प्रोग्राम देंगे, लेकिन ये बाबा ने तो मधुबन में ही मिलते हुए ऐसे बताया। तो मैं समझ गई, तो फिर दोबारा गई मैं। तो ऐसे करके 1.5 साल में शॉर्ट में सुना रही हूँ, 1.5 साल मेरा कनाडा में रहना हुआ। लेकिन जहाँ भी गई, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, विनिपेग, मानकोपर, मेन स्थानों पर, वहाँ बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे निकल आए जो वहाँ के फाउंडेशन है। क्योंकि उस समय फिर मुझे 1.5 साल के बाद मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि 3 महीने का वीजा मिलता था, इमिग्रेशन में जाते थे, फिर 3 महीना, फिर तो बहुत क्वेश्चन पूछते थे। भावे के दादी ने इस प्रकार से फिर तो अमेरिका भेजा, फिर तो दुबई भी दादी ने कैसे भेजा। तो ऐसे बहुत ही अनुभव हैं। लेकिन दादी ने बहुत मतलब के उमंग सा भी दिलाती थी, हिम्मत भी दिलाती थी, और सेवा में बहुत आगे बढ़ाया दादी की ही उससे ही। इवन जब, और वही दादी का सेवा का भी इतना रहता था और यज्ञ के प्रति भी बहुत स्नेह भावना रहते थे, मधुबन के प्रति भी। तो जहाँ भी हम सेवा पर जाती थी तो जो भी कोई देते थे यज्ञ के लिए ना, बाबा के लिए कुछ एनवेलप व गिफ्ट, तो हम जो है दादी को लाके देते थे। तो दादी कहती थी अच्छा ये रखो, क्योंकि ये उस स्थान की पहली मदोगरी है जो मधुबन महायज्ञ में उनको उनका पड़े। क्योंकि दादी को रहता था कि ये उस स्थान से जो आत्माएं निकली है मना, उस स्थान का पहला ये जो है जो बाबा के महायज्ञ में पड़ने से उनको शक्ति मिलेगी। मना दादी को हमेशा मधुबन याद रहता था, है कि उन आत्माओं का डायरेक्ट मधुबन से कनेक्शन जुट जाए, क्योंकि नेचुरली स्थान तो यज्ञ है ही है, मधुबन महायज्ञ है। तो दादी को रहता था कि उनका पहला बीज महायज्ञ में पड़े। तो ऐसे तो वही संस्कार हम लोग को हमेशा मधुबन पहले याद रहता था। जब भी आना होता था पहले से ही सोचते थे ये भी मधुबन के लिए, ये भी मधुबन के लिए। तो दादी के जो भी मतलब दादी की धारणा थी मधुबन यज्ञ से प्यार है ने, बाबा मम्मा तो है ही, लेकिन साथ साथ सब दादियों से भी परिवार से कितना स्नेह प्यार था, हाँ, तो वही सबके अंदर वो संस्कार डालते थे। तो जब मुझे मेरा जब फिर कनाडा के बाद फिर मैं थोड़ा टाइम लंदन में ही थी, फिर उसके बाद मुझे दादी ने न्यूयॉर्क में भेजा। तो न्यूयॉर्क में भेजा तो वहाँ सेवा पर थी, फिर यही था कि मोहिनी बहन भारत में आई हुई थी, तो उस समय हम जो है वहाँ न्यूयॉर्क सेंटर में ही थी। तो यही था कि मोहिनी बहन जब आ जाएंगी, वो ऐसे 3 महीने के बाद आने वाली थी, लेकिन उस समय तो
यहाँ कॉन्फ्रेंसिस वगैरह कई स्थानों पर भारत में चल रही थी, और उस समय तो ऐसे खर्चा भी बहुत होता था ने, तो वो जब मार्च एंड में बाबा की सीजन पूरी हुई तब आए, तो फिर यही था कि मोहिनी बहन वापस आ जाने के बाद मुझे बीच में गैप पड़ा, माना कनाडा जाना है, तो कनाडा जाने का था सेवा के लिए। तब तक दादी का मैसेज आया, दादी जानकी का, कि ज्योति जो है माता की माता है, टीचर की टीचर है, तो उनको दुबई सेवा में जाना है। दुबई माना मिडल ईस्ट, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री होने के कारण दादी को बोध था कि कोई ऐसा अनुभवी हो, शक्ति वाली हो, हिम्मत वाले हो, तो ऐसे करके तो दादी ने मुझे फिर वहाँ से न्यूयॉर्क से फिर मुझे सेवा पर दुबई में भेजा। तो 84 अगस्त में मेरा दुबई माना मिडल ईस्ट में आना हुआ, कि जहाँ पहली सेवा दुबई से दुबई में हुई। अभी तो दुबई माना यूएई, अभी तो सब पूरे यूएई में सेवा केंद्र है, और ओमान, कतार, पूरे मिडल ईस्ट में बाबा की सेवा, बाबा के स्थान है। लेकिन दादी, मेरा कहने का मतलब कि दादी का हमें सबको आगे बढ़ाने का रहता था, और जहाँ भी मैं होती थी तो फोन जल्दी करती थी, लेकिन दादी का कहा कि दादी अभी बाहर गई हैं, दादी किसी से बैठी है, तो ऐसा होता है ना कई बार, तो मैं फिर बाद में फिर दादी से फोन लगता था तो दादी कहती थी तुम कहाँ हो, माना तुम कितने दिन से फोन नहीं किया, मतलब दादी को एक एक का ख्याल रहता था, है ना, तो कहते कहाँ हो तुम। मैंने कहा दादी फोन किया था, आप मिले नहीं। और वैसे भी दादी को यहाँ भी आते थे मधुबन में, लास्ट में भी दादी को थोड़ा थोड़ा कईयों का भूल भी जाते थे, तो पहले कभी कभी थोड़ा ऐसे दूर से मुझे देखती थी, तो देखती थी फिर सोचती थी, फिर देखती थी, फिर ज्योति ने, मैंने कहा दादी, मतलब दूर से भी दादी का ध्यान जाता था इतना ही। और ड्रामा अनुसार ऐसा हुआ कि लास्ट में जब दादी ने शरीर छोड़ा तो भी हम यहाँ मधुबन में शांतिवन में ही थी, है ना, उसी अगले वर्ष से ही दादी 20 में तो वहाँ मना वहाँ जो है दुबई में आए थे दादी, अगले वर्ष दादी के शरीर छोड़ने के अगले वर्ष दादी दुबई आए थे, और उसके बाद दादी जब लंदन गए तो हम भी लंदन में गए। लास्ट में दादी के साथ हम स्पेन में भी थे, वहाँ रिट्रीट थी, तो स्पेन में भी दादी के साथ 2 सप्ताह रहे, रिट्रीट किया, और उसके बाद राखी पर मैं लंदन में ही थी, और दादी ने पहले मुझे राखी बांधी स्पेन में, फिर लंदन में भी मैं स्टेज पर गई तो दादी ने सोचा कि राखी बांधना है, लेकिन मेरे को तो था कि दादी से दृष्टि मिले, तो मतलब दादी ने क्योंकि जो है तो दादी ने खास वो पहनाया है ना, राखी बांधी, दृष्टि दी हमेशा, मतलब दादी को बहुत ही सब एक एक को दृष्टि प्यार देना, इतना शक्ति भरना, इतना दादी को एक एक के प्रति भावना रहती थी। लेकिन वो ही मेरा लास्ट दादी के साथ रहना हुआ, नहीं तो कई बार मैं थोड़ा टाइम ही लंदन रहती हूँ और कंट्री में कहीं सेवा पर चली जाती, लेकिन उस साल समय ऐसे सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसे ही संकल्प आया कि इस साल मैं कहीं और देश में नहीं जाती हूँ, मैं लंदन में ही ज़्यादा टाइम रहेंगी ऐसे। और ऐसे लास्ट में दादी का दुबई में भी आना हुआ, ऊपर से दादी के साथ स्पेन में रही 2 वीक, है ना, वैसे तो सबके लिए 1 वीक ही, 1 सप्ताह ही था, लेकिन हम 2 सप्ताह, क्योंकि एक स्पेन वालों की रिट्रीट थी, एक मिडल ईस्ट यूरोप सब टीचरों की रिट्रीट थी, तो दोनों पूरा टाइम दादी के साथ थी। और लंदन में भी राखी के दादी आने के पहले ही चक्कर लगा के दादी के साथ ही थी पूरा टाइम। और फिर लास्ट में अचानक ही दादी जिस समय शरीर छोड़ा लॉकडाउन के टाइम, पहली बार मैं यहाँ मधुबन में शांतिवन में लगभग 7.5-8 महीना थी, तो बाबा अपने आप ही ड्रामा अनुसार ऐसा प्रोग्राम बन गया। गुरुवार का दिन था जब मैं दुबई में थी, तो जो है
भोग लगाने क्लास के बाद एक भाई ने कहा कि ज्योतिबेन मैंने ऐसे बात बताई कि जिनका फॉरेन पासपोर्ट है वो कल से लेकर के भारत में एंटर नहीं हो सकते हैं। तो मैंने कहा है, क्योंकि मैं तो हम तो इतना रोज समाचार नहीं देखते रहते हैं, तो मैंने सोचा ऐसे कैसे, क्योंकि वैसे मुझे मार्च में तो आना ही था यहाँ कि बाबा का सीजन टर्न भी था और कई भाई बहन भी आने वाले थे और मुझे कुछ ट्रीटमेंट भी करानी थी तो आना था भारत, और अचानक बोला कि कल से नहीं आ सकते हैं, भारत में एंटर नहीं हो सकते हैं। तो हमने, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट होने के कारण नेक्स्ट डे से भारत में नहीं एंटर हो सकते, तो इमीडिएटली हमने प्रोग्राम बनाया और शाम की फ्लाइट से मैं निकल आई। तो ये भी तभी सोचा नहीं कि हाँ जा नहीं सकते हैं, इतना सुना, लेकिन वापस कब आ सकते हैं कुछ आइडिया नहीं। परंतु वो भी कल्याणकारी हुआ, हम निकल आई, उसके बाद तो आ भी नहीं सकते थे। और बस थोड़े दिन में ही बाबा का एक दो टर्न था शॉर्ट में, और फिर थोड़े ही दिन में तो दादी ने शरीर भी छोड़ा और लॉकडाउन भी शुरू हो गया। तो वो भी उसी समय हम यहाँ ही थी, और जब दादी का, दादी जानकी के निमित्त रोज भोग लगता था, तो रोज हम शक्ति भवन में भोग लगाने वहाँ जाते थे और संदेश भी सुनते थे। कहने का मतलब है कि जब हमारा बड़ों के साथ इतना स्नेह है, प्यार है, रिगार्ड है, भावना है हमारी बड़ों के प्रति, तो अपने आप ऐसे अनायासी प्रोग्राम बन जाता है। आज भी मुझे तो अचानक ही बोला कि आप थोड़ा अनुभव तो सुन रहे थे सबके पास, तो पर हम भी अब बहुत अंग संग रहे, क्योंकि 74 से लेकर के इतने सालों तक दादी ने शरीर छोड़े, तब तक हमारा कनेक्शन तो दादी से ही रहा। पहले साथ में रहे, फिर कहाँ भी दादी भेजती थी फिर आते थे, और जहाँ भले दुबई में रही मैं सेवा पर, तो भी हर साल लंदन जाती थी, फिर मधुबन घड़ी घड़ी आते थे, तो दादी से तो बार बार हर बात का कनेक्शन, इतना नजदीक से स्नेह संबंध था ही था। तो अचानक ही बोला, तो मैं बाबा को थैंक यू बोला कि बाबा मेरे को भी दादी के साथ का अनुभव सुनाने का बाबा ने मुझे मौका दिया कि आज दादी की, वैसे तो बाप जैसे सुनाया संदेश में भी कि दादी तो विश्व की दादी, दादी को कोई भी कहते थे ना ये लंदन की दादी, ये वो सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ऐसे नहीं कि बाद में, पहले से भी, क्योंकि दादी को तो पहले से ही है कि हम तो है ही शिव शक्ति विश्व कल्याणी, मना विश्व की दादी है दादी को तो विश्व ही हमेशा कहती थी, या तो विश्व को ग्लोब में लो या तो विश्व के ऊपर बैठ जाओ, विश्व को हाथ में ग्लोब है, ग्लोब को हाथ में लो और सकाश दो, या तो ग्लोब के ऊपर, मना विश्व के ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ और बाबा के साथ और सकाश दो, मतलब विश्व याद रहता ही था। और वही संस्कार सबके अंदर बढ़ते थे कि हमारी बुद्धि हर बात में हमारी बेहद में होनी चाहिए, हद में नहीं। हाँ, तो यही मंत्र याद रहता था, जैसे बाबा मम्मा कहो के दादियाँ हमारी, बेहद का त्याग, बेहद की तपस्या, बेहद की सेवा, सब बेहद, बेहद का परिवार है ने, तो बुद्धि भी हमारी सदा बेहद में हो, हद में नहीं, मेरा तेरा नहीं, है ने। वो हम दूसरों को भी सिखाते हैं, कुछ भी ऊपर से कोई लेके भी नहीं आए, किसी को भी कुछ भी लेके नहीं जाना है, ये विश्व ही हैं और विश्व हमारा, हम विश्व के हैं। पर दादी से इस प्रकार से हर एक को बहुत ही, है ना, बहुत ही प्यार पालना मिली। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, इवन लंदन में भी मैं दादी के अंग संग रही ने, तो एक दिन कितना एक्यूरेट है एक मिसाल देती हूँ। तो उस उन दिनों में भी अमृत वेले योग अपने गीत बजता था, तो इतने साधन नहीं थे कि ऑटोमेटिकली, आजकल तो सब अपने आप बचता है, लेकिन उन दिनों में हम ऊपर रहते थे और नीचे जो किचन था तो वहाँ एक सिस्टम थी, तो ऑन करते थे तब गीत सब तरफ सुनाई पड़ता था। तो मैं 3:30 बजे उठ करके नीचे गीत बजाती थी, और उसके बाद किसी को जो पीना है कुछ करना बनाती थी। तो एक दिन मेरे से क्या हुआ
क्योंकि दिन में भी आराम नहीं होता था, रात को भी सो जाओ तैसे, तो मैं 3:30-5 हो गई थी, 5 मिनट ऊपर हो गई थी, गीत बजाया तो दादी ने मुझे कहा, फिर बाद में कहा, ज्योति तूने गीत लेट बजाया, मना तूने 5 मिनट गीत जो है लेट बजाया, तो इतना दादी एक पूरे। अच्छा, फिर टोली की बात, टोली भी दादी को ऐसा है कि एक्यूरेट बनना चाहिए, शुगर ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, देखने में भी अच्छा हो ऐसे। तो मैं बहुत बाबा को याद करती थी, क्योंकि मैं किसको घड़ी घड़ी पूछूं, तो मैं बाबा को साथ रखती थी, बाबा को बोलती थी, बाबा इतना शुगर डालूं, बाबा आप बताओ, बाबा इतना ऐसा करो, क्या करो, बाबा आपकी याद की खुशबू भर दो, शक्ति भर दो, क्योंकि दादी को तो बहुत एक्यूरेट चाहिए। अच्छा है, वो तो ठीक, फिर कई बार मुझे सर्टिफिकेट भी देती थी, कहते तुम बिल्कुल एक्यूरेट, माना शुगर ज्यादा डाल दी, कम डाल दी, बहुत ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर एक बार फिर भी क्या हुआ, कभी न कभी तो कान पकड़े जाते थे, तो एक ब्रह्मा भोजन बन रहा था, तो मैं बहुत बिजी, मतलब दूसरा बनाने करने में, मैं एक माता को टोली का पीस बनाने के लिए बोला, तो भाई टोली का पीस बनाओ, तो मैं बताया उसको कैसे ऐसे ये करो, लेकिन उसने क्या किया, माताएं जल्दी करती है ना, तो उसने क्या क्या के कुछ छोटा मोटा कर दिया, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा कर दिया। तो फिर दादी के पास जब लेके गए, तो दादी ने कहा कि दादी ने कहा ये क्या किया, मना टाइम हो रहा है, एक मिनट लास्ट पर। तो वो जो है दादी ने कहा कि ये क्या किया, मना छोटा बड़ा पीस कर दिया। अब मैं दादी को कुछ बोलने जाऊं तो दादी मतलब ऐसे एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि मैंने तो नहीं, मतलब हमारा काम है सब तरफ देखना, तो मतलब दादी का इतना छोटी छोटी बातें भी सिखाती थी और ध्यान भी खिंचवाती थी, तो इतना मतलब दादी ने एक्यूरेट बनाया। थैंक यू, सब सबने प्यार से सुना, ओम शांति। दादी खूबियों से तुम